खबर उदयपुर से है, जहां राजस्थान बाल कल्याण समिति की ओर से जरूरतमंद लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। साथ ही जिला कलेक्टर से अनुमति लेकर कॉलेज स्कूल भवन में क्वारंटाइन सेंटर स्थापित करने का काम किया गया है। प्रबंध निदेशक गिरिजा शंकर शर्मा ने बताया कि संस्था की ओर से अब तक करीब 84,000 भोजन के पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही 2,500 परिवारों को सूखा राशन भी वितरित किया गया है। इसके अलावा मास्क 25,000 से अधिक मास्क बांटे गए हैं, तो वहीं 9,000 परिवारों को साबुन और सैनिटाइजर का वितरण भी किया जा चुका है। राजस्थान बाल कल्याण समिति एक स्वयंसेवी संस्था है जो पिछले 40 वर्षों से राजस्थान के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए सतत रूप से कार्य कर रही है। इसी वर्ष 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू के रूप में संपूर्ण भारत बंद होने के बाद भारत को लॉकडाउन किया गया और इसी क्रम में हमने तुरंत प्रभाव से एक हमने प्रबंध स्तर की बैठक बुलाई। उसमें निर्णय लिया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी में हम राहत में कार्य करेंगे। 26 मार्च को जिला प्रशासन द्वारा हमें अनुमति प्रदान की गई, उसके तुरंत बाद हमने हमारे कार्यक्षेत्र और सरकार द्वारा चिन्हित एरियाज में जो उदयपुर और डूंगरपुर जिले में 2 से 2,500 फूड पैकेट प्रतिदिन वितरण किए और 2,500 राशन किट हमने जरूरतमंद इलाकों में वितरण